जैसे वो जो नए आमद ही हो रहे हैं वो खास तौर पर जो तालीम हासिल कर रहे हैं म्यूजिक की या पेंटिंग की इस मुताबिक की, उनको कहाँ तक ये इस वक्त जो इतना वक्त आ गया मेरे पास इस पर मैं रोशनी नहीं डाल सकता, लेकिन एक म्यूजिशियन चोटी के म्यूजिशियन काजान के रहने वाले मॉस्को से आए थे या मॉस्को में सेटल हुए हैं, उनसे मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कुछ अपनी परफॉर्मेंस भी दी थी मुझे, उनको मैंने जब इसके मालहू माला जो हक में और मुखालिफ पॉइंट से समझाए थे, तो बावजूद इसके जो प्रोफेसर थे म्यूजिक के वो काफ़ी मुतमिन हुए, उन्होंने कहा अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों इस्लाम इसको डिस्करेज करता है, इसलिए कि जो म्यूजिक में खुलासा तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो म्यूजिक में एक दफ़ा डूब जाए लोग जिनका मिजाज डूब जाए उनको ना नमाज में मजा रहता है ना जिक्र अलाही में ना सही माना खेज पोट्री में, वो सिर्फ आवाज़ों के गुलाम बनकर उनसे अपनी तस्कीन ढूंढते हैं और ये खलल अंदाज होती है ये आदत उन आला मकासद की राह में जिनकी खातिर इंसान को पैदा किया गया और कुछ भी ना हो, इसलिए इसको इनकरेज नहीं किया जा सकता, लेकिन चांस ब्रश इत्तफाकन थोड़ा सा सुन लेना उसको हराम भी नहीं कह सकते, इसीलिए मैं इतना ना पूछें कि फिर अब आदमी कह रहे कि नहीं जायज़ है तो सब लोग बेहद काम शुरू कर देंगे, मैं जायज़ कहूँ तो जहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं तबन फितरतन इंसान की ख्वाहिश है, कौन घर है जहाँ रेडियो टेलीविजन पे म्यूजिक नहीं सुनी जाती, फतवा मुझसे और ले लें अमल और हों, तो ये एक किस्म का इंसानी ताल्लुक मामलात में फसाद पैदा करने वाली बात है। ज़रूरे महबीए आखिर